बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म बेल बॉटम लेकर आ चुके हैं बड़े पर्दे पर। दोस्तों आपको बता दें कि आज यहां पर बेल बॉटम रिलीज़ की गई है बिग स्क्रीन्स के ऊपर यानी कि सिनेमा घरों के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेप था बॉलीवुड के लिए। अक्षय कुमार ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार यहाँ पर अपना कदम रखा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू अगर हम बताएं तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग मूवी है, जैसा कि तरण आदर्श ने कहा था, एक पल भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूवी बोरिंग हो रही है। इस मूवी के अंदर खासियत यही है कि अक्षय कुमार के डायलॉग्स और जिस तरीके से यहाँ पर स्क्रीन पे रखा गया है, यानी कि जब जब वो मोमेंट आता है आप लोगों के गूज बम्स जरूर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर हम कोई स्पॉइलर नहीं देंगे, लेकिन आपको बता दें कि अक्षय कुमार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वाणी कपूर की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार तरीके से छाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके का रोल उमा कुरैशी का है, वो भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। हालांकि पूरी की पूरी स्पॉटलाइट जो है वो अक्षय कुमार पर रहने वाली है, किस तरीके से वो हाईजैक को यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अक्षय कुमार अपने कनेक्शंस बना कर रखते हैं, और ये साफ साफ दर्शाता है कि किस तरीके से एक रॉ एजेंट जो है वो अपना काम करता है। अक्षय कुमार यहाँ पर जिस तरीके से अपने कनेक्शंस के थ्रू पूरे के पूरे प्लेन हाईजैक को रुकवाते हैं, वो लाजवाब है। यहाँ पर लारा दत्ता भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की एक्टिंग करती हुई नज़र आ रही है इंदिरा गांधी की रोल के अंदर। और बात की जाए यहाँ पर गानों के, तो दोस्तों आपको बता दें कि गाने इस फिल्म की बिल्कुल भी रफ्तार स्लो नहीं करते हैं, और सही टाइम पर गाना आता है, और उसके बाद में यहाँ पर अक्षय कुमार के एक्शन आपको नज़र आते हैं। दोस्तों लास्ट का सीन जो है यानी कि क्लाइमैक्स, वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। इसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है, और अक्षय कुमार के डायलॉग्स इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और दोस्तों अब आप लोगों ने क्या ये स्क्रीन पर देखा यानी कि सिनेमा घरों के अंदर, क्या आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, आपके वहाँ पर क्या थिएटर्स खुले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।